हाँ जी, तो आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर मैं नहीं, ये माइक्रोफोन है। हे, तो कभी होता भी नहीं है मेन कैरेक्टर, ज्यादा गलत फहमी में ना जिया कर भाई, कोई बताओ यार इसको। तो सबसे पहले इसका लिया जाएगा टेस्ट। एक कहीं वो क्लास वाला टेस्ट तो नहीं ले लिया जाएगा? ये यार टेस्ट देते हुए बड़ा क्यूट लगेगा लेकिन ये माइक। अबे यार, इसका ऑडियो टेस्ट लिया जाएगा। ऑडियो टेस्ट लेके देखेंगे आखिर ये माइक है कितने पानी में। कितने पानी में? वाटर प्रूफ भी है क्या भाई? क्या लगा दिया भाई इसमें? अबे नहीं बे, ये मुहावरा है। तो भाई साहब, इसका जो है ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न सबसे पहले चेक कर लेते हैं। इस पैटर्न को तब यूज किया जाता है जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही सीन में हों, तो सीन बदला जाए। एक मिनट, लेकिन हमारे पास दो लोग हैं नहीं। ओए, मैं किस दिन काम आऊंगा इसका बे? जवाब तो भाई मैं आज तक खोज ही रहा हूँ कि तू किस दिन काम आएगा मेरे। अब मैं नहीं कर रहा, जाओ। अच्छा चल चल, आ जा, नौटंकी कहीं का। तो अब पेश है ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न पर ऑडियो टेस्ट इंडोर में। कितने आदमी थे? वो हमका गिनती नहीं आती। क्या क्या क्या? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। लेकिन सरदार, हमने आपका नमक खाया तभी मैं है। सोचूं मेरी मूंगफली से नमक कहाँ चला गया। वो सिर्फ नमक नहीं, हमने थोड़ी सी मूंगफली भी ली थी। कितनी मूंगफलियां ली थी तूने? वो तीन ली थी अभी सरदार। तक तो तुझे गिनती नहीं आती थी। अरे हाँ, तब नहीं मालूम कि मैंने तीन ली थी। तो अब तू हमसे गद्दारी करेगा? हाँ, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जा सो जा, नहीं तो खलील के वीडियोस लगा दूंगी, तड़पते हुए मर जाएगा। तो ये रही BYPM 500 से की गई ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न पर ऑडियो टेस्ट इंडोर में टाइप सी वाले फ़ोन से बिना किसी एडिटिंग या छेड़खानी के। ये बढ़िया भाई, लेकिन क्या चीज़? अरे यही कि मतलब फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा मान लो अब हमको यहीं रिकॉर्डिंग करनी है, PC उठा के लाओगे यहाँ पे? सुनने में ये बात काफ़ी अच्छी लग रही है कि इससे हम कहीं भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। इस माइक में आपको विंडशील्ड नहीं दी जाती जैसा है। कि इस माइक में दिख रहा है। हम आपको दिखा दें थोड़ा सा, अगर दिख ना रहा हो स्क्रीन में, मतलब कैमरे में, जो भी है यार। तो ये जो है, एक मिनट तुम साइड हो जाओ भैया। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मरी हुई बिल्ली की खाल लगी हुई है। ये हवा से, जो हवा इस पे पड़ रही है उससे जो नॉइज़ क्रिएट होती है उसको रोकता है ये। वापस चलो। अब जबकि इसमें विंडशील्ड है ही नहीं और अलग से ख़रीदने पर आपको मिलता भी नहीं तो है, इस माइक को हवा से क्या शक्तिमान आके बचाएगा? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। बट फिर भी एक बार ट्राई करने में कहा जाता है, कर लेते हैं ना अच्छा ट्राई। जी ठीक है, यहाँ पर भी रिकॉर्ड करके देख ले रहे हैं। ठीक है, मरा जा रहा है यार, इसकी जान जा रही है। अच्छा फिर वही गब्बर वाला करेंगे। ठीक है ठीक है, लेकिन सेट सारी चीज तू ही करेगा। तब मुझे गब्बर बनना है इस बार? नहीं 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 गब्बर तो मैं ही बनूंगा भाई, इसके ना नखरे बहुत ज्यादा हैं। चल अच्छा ठीक है, बन जा, अभी रोने होने लगेगा, मेरी झंझट बढ़ जाएगी, चुप कराना पड़ेगा मेरे को। बन जा बन जा। कितने आदमी थे? हमको गिनती नहीं आती। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। वो हमने आपका नमक खाया है, तभी तो मैं मेरी मूंगफली से नमक कहाँ चला गया। तो सिर्फ नमक नहीं, थोड़ी सी मूंगफली भी ली थी हमने। कितनी मूंगफलियाँ ली थी तुमने? सरदार तीन ली थी। अभी तक तो तुझे गिनती नहीं आती थी। अरे हाँ, तब नहीं मालूम कि हमने तीन ली थी। तो अब तुम हमसे गद्दारी करेगा? हाँ। अरे यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो खलील के वीडियोस लगा दूंगी, तड़पते हुए मर जाएगा। देखा देखा देखा, तेरी लापरवाही का नतीजा। मेरी लापरवाही का नतीजा? हाँ, और कौन चिल्ला रहा था आउटडोर में शूट करो, आउटडोर में शूट करो? नौटंकी। मुझे गब्बर बनाए होते ना तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, मेरी वजह से हवा इस पे टक्कर मार के जा रही थी बार बार, है ना? तू बना होता गब्बर तो हवा इसको पप्पी लेकर जाती ना। हे, गंदी बात मत कर बदतमीज। इसका ना माथा घूम गया है। मेरा तो चलो घूम गया, तेरा तो गुम गया है। मेरा घूम के लौट के वापस चला आया, तेरा गुम गया था जो अभी तक मिला नहीं है। इसकी बातों में उलझेंगे ना तो निकल नहीं पाएंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। निकलना भी किसको है भाई, किसको निकलना है? अच्छा, बोल ले बोल ले बोल ले। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस माइक्रोफोन से आउटडोर में भी रिकॉर्डिंग कर तो हम पाएंगे, बड़े ही दुख के साथ ये बताना चाहेंगे कि आपका भी पोपट हो जाएगा जैसा कि अभी अभी इसके साथ हुआ है। और जिद किसने की थी यहां पे रिकॉर्ड करने की? पता नहीं, याद नहीं आ रहा किसने कहा था। तो भाई साहब, अब जितना भी सारा ऑडियो टेस्ट है ना, वो आउटडोर में नहीं करेंगे हम लोग यार, अब सारा का सारा इंडोर में ही करेंगे। इंदौर में करेंगे, वो तो काफी दूर है ना, यहीं यूपी में कर लें तो कोई दिक्कत? अबे इंडोर बोल रहा हूँ, इंडोर, इंदौर नहीं। अच्छा, इंडोर मतलब भाई
मैं तेरे को नहीं समझा सकता यार। अब कार्डियाइड पैटर्न भी देख लेते हैं क्या होता है। इसमें होता ये है कि अगर मान लीजिए कि आप सिंगल हो, सिंगल नहीं कतई सिंगल हैं। अबे मेरा मतलब है कि अगर मान लो आप अकेले रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप इसको सेट कर दो कार्डियाइड पैटर्न पर। एक बटन दबाया हो गया कार्डियाइड पैटर्न पर सेट, यही वाला ना? हाँ हाँ वही। कुछ हो क्यों नहीं रहा भाई, लाइट वाइट तो जलनी चाहिए ना यहाँ पे। अबे उसको फोन या पीसी से कनेक्ट भी करना पड़ता है। ओ आई सी, ठीक है। अब अगर वापस से ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न पर आपको सेट करना है तो वही बटन आप दोबारा दबा दो। दबा दिया, नहीं दबाना था, अभी कार्डियाइड पैटर्न पर ही टेस्ट करेंगे। अबे तो कौन सा ऑन है, ऑन भी होता तो उसको दोबारा दबा देते, प्लेन थोड़ी है चप्पल मारेंगे गिर जाएगा। ये भी सही है, लेकिन कॉमेडी भी तो करनी है यार, तू भूल जाता है यार। तो आप लोग अभी सोच रहे होगे कि भाई साहब इंडोर वाला टेस्ट तो यहाँ स्टूडियो में होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों भाई, आखिर दिक्कत क्या है यहाँ? यहाँ पे दिक्कत ये है भाई साहब कि यहाँ पर जो आवाज़ है ना वो थोड़ी सी गूंजती है, गूंजती है, गूंजती है, थोड़ी सी गूंजती तो है। इसके साथ इंसाफ किया जाए, इससे रूम में ही रिकॉर्ड किया जाए। तो बंदी बनी क्या भाई, खैर जो भी है, अब सीन बदला जाए। तो अभी मेरी जो डिस्टेंस है इससे वो लगभग 20 सेंटीमीटर की है, क्योंकि बॉक्स पर लिखा गया कि भैया जी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के ही आवाज़ आपको रिकॉर्ड करनी है, एकदम घुस नहीं जाना उसी के अंदर, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हम ईयरफोन लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये वाला काहे नहीं लगा रहे हो बे, ये वायरलेस है तो इसमें वायरलेस थोड़ी लग सकता है भाई। तो वायर्ड ईयरफोन लगाएंगे और सीधा सुनेंगे कि हम क्या बकबक कर रहे हैं। आहा, एकदम बढ़िया से सुनाई दे रही है अपनी आवाज़। इसमें म्यूट का बटन भी दिया हुआ है, मान लो अगर मैं म्यूट का बटन दबाता हूँ तो होगा क्या, मैं बता देता हूँ। मैंने दबा दिया मैंने, अब ये म्यूट नहीं है। तो जैसे ही आप म्यूट बटन दबाओगे ना आवाज़ बंद हो जाएगी। किसी को किसी को छेड़ना हो, रिकॉर्ड करा जाके म्यूट बटन दबा दो। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, आगे मुझको नहीं आता, समझो मेरी मजबूरी। तो भाई सारा का सारा टेस्ट हो चुका है, इंडोर आउटडोर कार्डियाइड पैटर्न ओमनीडायरेक्शनल पैटर्न सब कुछ। अरे अरे कहाँ हुआ सारा, अभी पीसी में टेस्ट किए हो एक भी? देखो यार, पीसी से करो या फोन से करो क्वालिटी सेम आती लेकिन है। फिर भी आपके दिली सुकून के लिए हम एक ऑडियो टेस्ट पीसी में भी करके सुना देते हैं आपको कार्डियाइड पैटर्न पर। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, मिला तो थोड़ा सा हॉर्लिक्स पी लेंगे पूरी की पूरी। भाई अपन हार्लिक्स बहुत पीता था पहले, और जितना दूध मिला के पीता था ना उससे ज़्यादा तो सूखा पाउडर ही पूरा का पूरा ख़त्म कर देता था। अभी तो फिलहाल भाई पीनट बटर पे दिल आ गया है। तो भाई साहब अब ये तो थी पीसी से की गई रिकॉर्डिंग रूम के अंदर, अब इसको यहाँ बाहर तो ला नहीं सकते, वो भी छत पे सीढ़ी चढ़ के। और अगर मान लो किसी भी तरह लेके आ भी गए तो पावर सप्लाई कहाँ से लाएंगे? पावर की बात कर रहा है, मेरे अंदर बहुत पावर है। तो एक काम कर भाई, मैं प्लग लेके आता हूँ, तू अपने नाक में लगा ले, ठीक है, थोड़ी पावर भी बचेगी। नहीं रे, गुदगुदी होती है, गुदगुदी होती है, नौटंकी कहीं का। तो हमारी नौटंकी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और स्क्रीन पर एक नंबर लिखा है। अपने प्यारे से कमेंट को लिखने के बाद ये जो नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नंबर भी लिख दीजिएगा, जरा हमको भी तो पता चले लास्ट तक कौन कौन देखता है हमारे वीडियोस। बाय द वे इस माइक की जो प्राइस है ना वो है 5000। और अब चलते हैं यार, मिलकर अच्छा लगा हो तो वापस आइएगा, यहीं मिलूंगा इसी चैनल पर। आपका भाई नाम है खलील। पता नहीं याद नहीं आ रहा है किसने कहा था। तो ये रही BY PM 500 से की गई ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न पर ऑडियो टेस्ट इंडोर में। कितना लंबा बोलना पड़ता है भाई। बाय द वे इस प्राइस की माइक है, माइक की प्राइस है यार।